ये वो तस्वीरें हैं जिसने सारी दुनिया को सन्न कर दिया था। कैमरे के सामने हुआ था एक राष्ट्रपति का कत्ल, वो भी लाइव। वो राष्ट्रपति जो शांति का मसीहा माना जाता था, उसे सरेआम गोलियों से भून दिया गया। तारीख 8 अक्टूबर 1981, शहर काहिरा, मिस्र। उस रोज पूरा मिस्र विजय दिवस मना रहा था। राजधानी काहिरा में सेना की परेड की सलामी लेने के लिए पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति अनवर अल सादात। परेड में सेना के ट्रक भी थे और इसी काफिले में शामिल एक ट्रक ठीक राष्ट्रपति सादात के सामने रुका। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले कुछ ट्रक में सवार सैनिकों ने शुरू कर दी फायरिंग। दरअसल ये पूरा ट्रक कातिलों की पलटन से भरा हुआ था। ध्यान से एक बार फिर देखिए, जैसे ही ट्रक रुका, राष्ट्रपति सादात का कत्ल करने आए लेफ्टिनेंट इस्लामबुली ने सबसे पहले एक के बाद एक 3 ग्रेनेड फेंके। इसके बाद मशीन गन से गोलियां दागते हुए ये हत्यारा तेजी से उस मंच की ओर बढ़ा जहां राष्ट्रपति बैठे थे। मंच पर बैठे सादात पर उसने मशीन गन का पूरा बैरल खाली कर दिया। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। सादात के सारे बॉडीगार्ड इधर से उधर भाग रहे थे। राष्ट्रपति अनवर अल सादात को कई गोलियां लगी और वो खून से लथपथ होकर कुर्सियों के बीच गिर गए। इस खूनी मंजर का एक एक पल कैमरे में कैद हो रहा था। ये देखिए, तत्कालीन उपराष्ट्रपति हुस्नी मुबारक कितने किस्मत वाले निकले। उन्हें घेर कर सुरक्षाकर्मी अलग ले गए, लेकिन सादात की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक घंटे में ही डॉक्टरों ने उनकी मौत का ऐलान कर दिया। उधर कातिलों की पलटन में से 3 जवाबी फायरिंग में मारे गए, जबकि बाकी लोगों को जिंदा पकड़ लिया गया। अनवर अल सादात की हत्या सारी दुनिया के लिए एक रहस्य बन गई। कैसे कैमरे के सामने पूरी फौज की मौजूदगी में एक राष्ट्रपति को खुलेआम मौत दे दी गई। बाद में मिस्र के तानाशाह बने हुस्न मुबारक पर भी लोगों ने उंगली उठाई, क्योंकि वो सादात के एकदम पास बैठकर भी बच निकले थे। लेकिन इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड साबित हुआ आयमन अल जवाहिरी। जी हाँ, वही जवाहिरी जो अलकायदा में ओसामा के बाद दूसरे नंबर का दर्जा रखता था।